नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम गुम हुए फॉर्म के बारे में बात करने वाले। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो भी हम एंट्रेंस टेस्ट या फिर एग्जाम फॉर्म भरते हैं अपनी वैकेंसी के लिए या फिर किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए, तो यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग के टाइम पर हमें हमारा जो फॉर्म भरा जाता है वो मिलता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमें डर लगता है कि अब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कहीं हमें परेशानी ना हो फॉर्म ना मिलने के कारण। तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका फॉर्म गुम हो चुका है किसी भी तरह का, किसी भी नौकरी से रिलेटेड, तो यहां पर हम उस फॉर्म को किस तरीके से रिप्रिंट करेंगे, रिप्रिंट होगा या फिर नहीं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपने किसी भी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी से रिलेटेड फॉर्म भरा है तो यहाँ पर मैं इन फॉर्मों को दो कैटेगरी में रखना चाहूंगा। पहली कैटेगरी तो वो जहां पर किसी पोर्टल के माध्यम से आपका फॉर्म भरा गया है, उसी पोर्टल के माध्यम से हजारों तरह के फॉर्म भरे जाते हैं। तो पहली कैटेगरी तो वो हो गई, जैसे कि एसएससी का एक अलग पोर्टल होता है, वहाँ पर अलग अलग तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं एसएससी में, जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, और एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ESB एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पर आपने देखा होगा कि MP ऑनलाइन द्वारा ESB द्वारा भी फॉर्म भरे जाते हैं पुलिस के, मतलब कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है ESB द्वारा भरे जाते हैं, जिसका पहले नाम हुआ करता था PEB प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड, उसी का नाम यहाँ पर ESB कर दिया गया, एग्जामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि यहाँ पर किसी पोर्टल द्वारा अगर आपका फॉर्म भरा गया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपना फॉर्म यहाँ पर रिकवर कर सकोगे और उसका दोबारा से प्रिंट आउट निकाल सकोगे सालों पुराना फॉर्म का, ठीक है ना। और दूसरी कैटेगरी होती है जो कि प्रॉपर विभागीय वेबसाइट के थ्रू भरा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस की, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑल MP में इंडिया पोस्ट ऑफिस से यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन वेबसाइट यहाँ पर इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ही होती है। इसी तरीके से और भी कई ऐसी विभागीय वेबसाइट होती है जिन पर उनकी विभागीय वेबसाइट द्वारा ही यहाँ पर आवेदन किए जाते, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के फॉर्म हो गए फलाना ढिकाना, तो कई तरह के ऐसे फॉर्म होते हैं उन्हीं की विभागीय वेबसाइट द्वारा भरे जाते। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका फॉर्म किसी पोर्टल के माध्यम से भरा गया है तो आपके 99% चांसेस हैं कि आपका फॉर्म रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका फॉर्म यहाँ पर किसी भी पोर्टल द्वारा भरा गया है तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर सकोगे, और इसी के अपोजिट अगर किसी विभागीय वेबसाइट के द्वारा भरा गया है तो यहाँ पर बहुत ही कम संभावना होती है कि आप अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर सकोगे। अब ऐसा क्यों है, देखिए जितनी विभागीय वेबसाइट होती है विभागीय वेबसाइटों पर यहाँ पर करेक्शन करके यहाँ पर कुछ ही समय के लिए वो लिंक निकाली जाती है फॉर्म भरने तक के लिए, जब तक आपकी लास्ट डेट रहेगी, एडमिट कार्ड की डेट रहेगी, रिजल्ट की डेट रहेगी, तब तक तो आपकी ये जो विभागीय वेबसाइट होती है वो चालू होती है, यहाँ पर आपको फॉर्म रिप्रिंट वगैरह करने के ऑप्शन मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाता है उसी के एक दो महीने बाद यहाँ पर उस वेबसाइट को क्लोज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आप दोबारा से रिप्रिंट नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है जो पोर्टल द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं तो उन पर किस तरीके से हमें फॉर्म को रिकवर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों ही डालने होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी फॉर्म को उड़ाते हो तो वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह तो मिलता ही है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्म को रिकवर करने के लिए आपको उस यूजर आईडी पासवर्ड या फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आपके मेल आईडी पर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपके पास वो चीज़ सिक्योर होनी चाहिए, अगर वो चीज़ सिक्योर नहीं है तो आपको पता होगा कि आपके एडमिट कार्ड पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यूजर आईडी डली होती है, तो आपको ऐसे में यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल गया। अब आपको ऐसे में करना क्या होता है कि उसी यूजर आईडी और पासवर्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है जहां से आपने फॉर्म भरा है, उसी पर जाने के बाद आपको वहीं से आपको लॉग इन करना हो या फिर रिप्रिंट करना हो, आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। वहां पर जाकर सबसे पहले तो रिप्रिंट या फिर ऑप्शंस खोजने की कोशिश करें, हो सकता है ऑप्शंस एक्टिव हो और आपका फॉर्म यहां पर प्रिंट हो सके। और यहां पर जहां तक पोर्टल की बात है, पोर्टल पर तो हमेशा ही यहां पर ऑप्शंस खुले होते हैं क्योंकि वो पोर्टल बनाए ही इसलिए जाते हैं
ताकि आप गवर्नमेंट वैकेंसी के यहाँ पर फॉर्म भर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पीईबी, जिसे प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड कहा जाता था पहले, जिसका नाम ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर दिया गया, उस पर मैं आपको यहाँ पर फॉर्म फॉरगेट करने का थोड़ा सा प्रोसेस बताऊंगा लास्ट में। उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल दे दूं। आप यहाँ पर खुद से फॉर्म को रिप्रिंट करने की कोशिश करने से अच्छा है कि आप किसी साइबर कैफे पर जाइए, जहाँ से आपने फॉर्म डलवाया हो वहाँ पर जाइए। उन लोगों को ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज रहती है कौन सी वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि उनका दिन भर का काम यही होता है, इस वेबसाइट से उस वेबसाइट, उस वेबसाइट से इस वेबसाइट। तो वो लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपका फॉर्म प्रिंट कर कर दे देंगे उन्हें, क्योंकि आइडिया होता है अगर हो रहा होगा तो वो आपको 100% होता होगा, तो 100% आपको आपका फॉर्म का प्रिंट दे देंगे ओल्ड फॉर्म का। अगर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर वो लोग साफ मना कर देंगे। तो इसीलिए पहली चॉइस तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप खुद से कोशिश करने से अच्छा है कि आप किसी दुकान पर जाएं, साइबर कैफे या फिर सीएससी सेंटर या फिर एमपी ऑनलाइन वालों के पास, वो आपके फॉर्म को आसानी से रिप्रिंट करके दे देंगे। इसके बाद अगर आप खुद से ही प्रयास करना चाहते हो तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पर यहाँ पर एक पटवारी का फॉर्म फॉरगेट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किए लेते हैं, जिसका लिंक है esb.mponline.gov.in। इस वेबसाइट को डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो या फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हो ईएसबी एमपी ऑनलाइन, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक के दो देखने को मिलने। पहला, भुगतान ना किए गए आवेदन का भुगतान, आवेदन की स्थिति जांच। तो यहाँ पर आपको अगर आपके पास आपका पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ से आप अपना रिप्रिंट कर सकोगे, आप अपना फॉर्म। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आवेदन क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की, और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड। यहाँ पर दरअसल होता क्या है कि फॉर्म भरने से पहले एक प्रोफाइल बनाई जाती है, प्रोफाइल का एक पंजीकरण संख्या एक अलग होती है, उसी का एक पासवर्ड होता है, और इसके बाद आप उसी प्रोफाइल के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म डाल सकते हो जो भी इस वेबसाइट द्वारा निकाली जाती है। तो यहाँ पर उस रिक्वायरमेंट को आवेदन करने के बाद उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप पिक्चर कैप्चर और यहाँ पर आगे बड़े बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रिंट है, जो भी फॉर्म का प्रिंट होगा ओरिजिनल प्रिंट, वो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप उसको प्रिंट कर सकोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ना पासवर्ड है, ना जो आपने रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्म डाला था, ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आवेदन संख्या पर जाना है। आवेदन संख्या पर जाने के बाद सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सी वैकेंसी के लिए आपने आवेदन किया था। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 2 SG4 पटवारी एग्जाम 22 लिखा हुआ, इसे सेलेक्ट करें। इसके बाद देखिए ये जो फॉर्म भरा जाता है, जब भी भरते हो तो यहाँ पर साफ लिखा रहता है कि 10th की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर डिटेल फिलअप करें। तो यहाँ पर आपकी जो भी 10th की मार्कशीट में आवेदन का नाम, आवेदक का सरनेम, आवेदक की जन्मतिथि, पिता का नाम और कैटेगरी, यहाँ पर निवासी एस या नो, और पिक्चर कैप्चर डालकर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो पासवर्ड को जानने के लिए सिंपली यहाँ पर देखिए आवेदन का प्रोफाइल पंजीकरण प्राप्त करें। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी। देखिए जैसे मैं आपको दोबारा से बता दूँ, यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त एक प्रोफाइल बनाई जाती है, उस प्रोफाइल का पंजीकरण क्रमांक अलग होता है, और इसी पंजीकरण क्रमांक के बाद हम जो फॉर्म भरते हैं जिस भी वैकेंसी का, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलग मिलता है। अभी जो हमने फॉरगेट करने की प्रोसेस बताई वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, जैसे कि पटवारी का फॉर्म भरा तो पटवारी का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फॉरगेट किया। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पंजीकरण प्रोफाइल पंजीकरण संख्या को यहाँ से आपको फॉरगेट करना है। मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड हो उसको यहाँ पर डालें, ओटीपी डालें तो मोबाइल के मैसेज में आपका आ जाएगा आपका प्रोफाइल संख्या, ठीक है ना, पंजीकरण क्रमांक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा आना है, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर आना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको आप जो दिया गया ना फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, सिंपली यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको पंजीकरण क्रमांक डालना है, प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद पिक्चर कैप्चर, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ उस पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आने के बाद सिंपली आपको पासवर्ड और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो मिल गया ना, तो यहाँ पर आइए इस लिंक पर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालिए, पिक्चर कैप्चर, आगे बढ़ें और यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा, तो प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।